मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिला दिया है। उन्होंने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में टोटल 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर जीता। इस तरह देश को वेटलिफ्टिंग में 21 साल बाद ओलंपिक मेडल मिला है। इससे पहले 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मलेश्वरी ने ब्रॉन्ज जीता था। मीराबाई की सफलता इस मायने में खास हो जाती है कि वे 2016 रियो ओलंपिक में अपने एक भी प्रयास में सही तरीके से वेट नहीं उठा पाई थी। उनकी हर कोशिश को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था। मीराबाई ने ओलंपिक में जाने से पहले मीडिया से कहा था कि मैं टोक्यो ओलंपिक में जरूर मेडल जीतूंगी, मेरे पास ओलंपिक खेलने का अनुभव है। मैं अपने पहले ओलंपिक में मेडल जीतने से चूक गई थी, तब अनुभव की कमी के कारण मैं मेडल जीतने में सफल नहीं हो सकी थी, और आज उन्होंने अपना ये दावा सच कर दिखाया है। उनको ढेरों बधाई। मीरा के डिड नॉट फिनिश से चैंपियन बनने की कहानी को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करें, और लगे हाथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। 2016 रियो ओलंपिक में चैंपियन बनने तक की उनकी कहानी जबरदस्त रही है। 2016 में जब वह भार नहीं उठा पाई थी, तब उनके नाम के आगे डिड नॉट फिनिश लिखा गया था। किसी प्लेयर से मेडल की रेस में पिछड़ जाना अलग बात है, और क्वालिफाई ही नहीं कर पाना दूसरी। डिड नॉट फिनिश के टैग ने मीरा का मनोबल तोड़ दिया था। 2016 ओलंपिक में उनके इवेंट के वक्त भारत में रात थी। बहुत कम ही लोगों ने वह नजारा देखा होगा जब वेट उठाते वक्त उनके हाथ अचानक से रुक गए। यही वेट इससे पहले उन्होंने कई बार आसानी से उठाया था। रातों रात मीराबाई मेडल नहीं जीतने पर बस एक आम एथलीट रह गई थी। इस हार से वे डिप्रेशन में गईं और उन्हें साइकेट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ा। इस हार ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। एक वक्त तो उन्होंने वेटलिफ्टिंग को अलविदा कहने का मन बना लिया था, हालांकि खुद को प्रूव करने के लिए मीरा ने ऐसा नहीं किया। यही लगन उन्हें सफलता तक ले आई। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड और अब ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई मणिपुर की इम्फाल की रहने वाली हैं। उन्होंने वेटलिफ्टिंग में पहला गोल्ड 11 साल की उम्र में लोकल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में जीता था। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर वेटलिफ्टिंग करियर की शुरुआत वर्ल्ड और जूनियर एशियन चैंपियन से की। वे कुंजरानी देवी को अपना आदर्श मानती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज वियर अ मास्क एंड फॉलो कोविड-19 गाइडलाइंस।